সৈনিক উত্তর গাজা এরিবলে নির্দেশ দিছে আইডিএফে অর্থাৎ ইসরায়েল ডিফেন্স ফোর্সে। ডিফেন্স ফোর্সে এই নির্দেশ জারি করেছে যে উত্তর গাজাত থাকা 1.1 নিযুত প্যালেস্টাইনিক এরিবলে দিছে, খালি করবলে দিছে উত্তর গাজা। উত্তর গাজাত যেহেতু বৃহৎ সংখ্যক হামাস সন্ত্রাসবাদীয়ে আত্মগোপন করে আছে, তাত মিসাইল আক্রমণ করব ইসরায়েলে, আর সেইবাবে শুকুরবারে মাজনিশায় উত্তর গাজা ত্যাগ করবলে নির্দেশ দিছে আইডিএফে। কিন্তু প্যালেস্টাইনী সকলে সেই নির্দেশ এ পর্যন্ত মনা নাই। তেওঁলোকৰ কথা যে আমার কতো অন্য ঠাইত আর ঘর বাড়ি নাই, আমি উত্তর গাজা এরি আমি কলৈ যাম, তেওঁলোক নিরুপায় হয়ে পড়েছে আর তেওঁলোকে এ পর্যন্ত সেই নির্দেশ মানি লওয়া নাই, যত নেকি তেওঁলোকক শুকুরবারে মাজনিশালৈকেহে সময় দিয়া হয়েছে। শুকুরবারে মাজনিশা তেওঁলোকে উত্তর গাজা এরিব লাগিব, কারণ তাত ইসরায়েলে মিসাইল আক্রমণ করব। কিন্তু এই কঠোর নির্দেশক লৈ রাষ্ট্রসংঘয়ও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। वक्त तेल अवीव से एश्केलोन की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि गाजा पट्टी से बहुत नज़दीक है। गाजा पट्टी में भी बहुत खून खराबा हुआ है, हमास का वहीं कब्जा है, इसराइल ने हमला किया। लेकिन अब आप यहां से तस्वीरें देखें, ये सड़क हमें ले जा रही है एश्केलोन के तरफ। एश्केलोन और एश्केलोन के आसपास के दूसरे जो छोटे शहर हैं गाजा पट्टी के करीब, वहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, वहाँ लोगों को सबसे ज़्यादा खतरा है। हर पल 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 वहाँ बमों की आवाज़ आती है, मिसाइल की आवाज़ आती है। यहाँ से हम रफ्तार से बढ़ रहे हैं, लेकिन सड़कों पे कोई आपको नहीं दिखेगा, चाहे तेल अवीव की बात करें या फिर एश्केलोन की बात करें, जेरूसलम की बात करें। इधर की आप तस्वीरें देखिए, वो रिहायशी इलाका है, सारे लोग घरों में हैं, लेकिन बाहर आपको नहीं दिखेंगे। इसलिए नहीं दिखेंगे क्योंकि तमाम लोगों को अलर्ट किया गया है कि रिस्क है, पूरे इसराइल में कहीं से भी हमला हो सकता है मिसाइल से, तो वो घरों में रहें। घर में है तो भी खिड़की या अपनी बालकनी में नहीं आते, और क्योंकि अगर मिसाइल से हमला होता है तो वो अपने सेफ जोन एरिया में जाते हैं। हम भी सेफ इलाके में कल गए थे जब हम एश्केलोन पहुंचे थे, और एश्केलोन यहां से आप देख सकते हैं, एश्केलोन साउथ में आप बढ़ रहे हैं, हम साउथ की तरफ जा रहे हैं।